चैनल पेंटिंग वाला। आज हमारे वीडियो में हम ऐसा एक वीडियो लाने वाले हैं कि जो बहुत खास होने वाला है। खास यानी कि हम ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है कि जो जो सॉल्यूशन प्रिंट का काम करते हैं, सॉल्यूशन प्रिंट यानी टी शर्ट कॉप प्रिंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए खास होने वाला है। तो आज हम खास करके जो वीडियो लाए हैं कॉप के ऊपर वीडियो लाए हैं, कॉप में गोल्डन कलर का प्रिंट कैसे होता है उसके लिए वीडियो लाए। जैसे कि हम ये देखते हैं, हम जिस कॉप बनाते हैं इसके इसको बनाने के लिए हमको क्या लगता है, जनरली हमको लगता है सॉल्यूशन का इंक लगता है, सॉल्यूशन पेपर लगता है। लेकिन इस टाइप का कॉप बनाने के लिए हमको कोई सॉल्यूशन इंक या पेपर नहीं लगता। उसको बनाने के लिए हमको जनरली चाहिए एक लेजर जेल प्रिंटर चाहिए और नॉर्मल जेल पेपर से हो जाता है और गोल्डन कलर का प्राइस है। तो मैंने आपको पहले से बता चुका कि आज का वीडियो सॉल्यूशन प्रिंट के ऊपर है, सॉल्यूशन प्रिंट यानी कॉप के ऊपर है। लेकिन इसमें सॉल्यूशन इंक या सॉल्यूशन पेपर की कोई जरूरत नहीं है ये वीडियो जो है आज का। पर मैं ये वीडियो में आपको पूरा बारीकी से बताने वाला हूँ कि किस तरह से प्रिंट होता है, किस तरह कितना टाइमिंग होनी चाहिए वो हीट करने का, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोग जनरली देख सकते हैं कॉप का एक यूनिक लुक आ रहा है। तो आप चाहें तो ये कॉप को मैंने व्हाइट कलर से इसलिए प्रिंट किया है कि आपको पता चल सके कि इसमें जो प्रिंट किस तरह से होता है। अब ब्लैक कलर का पहला प्रिंट होता है, उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं गोल्डन कलर पर इसमें। तो ये किस तरह से प्रिंट होता है, उसके लिए कितना टाइम लगता है, कितना बल लगता है, इसलिए मैंने व्हाइट कलर के कप के ऊपर बनाया है। बनाइए आप ब्लैक कलर के कप के ऊपर बनाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा, उसका क्वालिटी अच्छा है क्योंकि गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कप के ऊपर कौन सा प्रिंट करने वाले हैं। मेरे एक दोस्त ने कमेंट करके मुझे बताया था और मुझे कॉल भी दो बार तीन बार आ चुका है उन लोगों का कि हमारे लिए ऐसा एक वीडियो बनाओ जो वीडियो जो गोल्डन फॉइल के ऊपर हो। और हम बहुत सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में, ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा है। तो मैंने खुद के सोच के बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके ये वीडियो बनवाया है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। लेकिन ये बात सच है कि बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ा मुझको। तो आप भी वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से होता है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, क्या लगेगा, उसमें जो प्रोडक्ट आता है कहाँ से आता है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने डाल दिया है। आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं, कैसे परचेस कर सकते हैं। मैं बहुत सारा यूट्यूब में सर्च किया हूँ, बहुत सारे मेरे यूट्यूबर भाइयों ने भी कभी बहुत सारे वीडियो है ये कप के ऊपर, लेकिन ऐसा वीडियो नहीं है कि अब क्लियर हो सके कि आप जो ये कप के ऊपर जो गोल्डन फॉइल का प्रिंट करने वाले हो वो किस तरह से प्रिंट होता है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट लगता है, वो जो गोल्डन फॉइल लगता है कौन सा गोल्डन फॉइल लगता है, किस तरह से इंक से होता है, इसके ऊपर कोई क्लियर वीडियो नहीं पाया मैं अभी तक। तो मैं आप लोगों के लिए क्लियर वीडियो लाया हूँ, आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कप बनाने में आपको क्या क्या चीज लगता है, पूरा क्लियर हो जाएंगे। मेरे वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना जरूर और शेयर भी कर देना। चलो वीडियो आगे देखते हैं क्या होता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। हमें पहले उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो मैं देखो पहले सेटिंग वगैरह रख चुका हूँ इसका, जो परमेंट जो मैं उसको बनवा चुका हूँ परमेंट, तो उसको हमको मिरर व्यू प्रिंट से प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो चलो हम पहले प्रिंट निकालते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्लेन पेपर में प्रिंट निकालेंगे, इसके लिए कोई सॉल्यूशन पेपर का जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन पेपर नहीं चाहिए, प्लेन पेपर में हम उसका प्रिंट निकालेंगे। उसको मिरर व्यू से हम प्लेन पेपर से निकालेंगे प्रिंट। देखिए हम कैसे निकालते हैं। एचपी प्रिंटर होना चाहिए, एचपी यानी कोई भी प्रिंटर होगा तो चलेगा, मगर प्रिंटर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, जब प्रिंट निकले वो उसका प्रिंट का इंक उधर उधर नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रिंट निकलना चाहिए तभी अच्छा हो पाएगा। हमको डार्क प्रिंट में प्रिंट करना है इसको। चलो प्रिंट करते हैं। यही वही प्रिंटर है हम जिसमें हम प्रिंट निकालेंगे आज, लेजर जेट का प्रिंटर है ये, आप देख सकते हैं एचपी लेजर जेट का प्रिंटर है। इसमें आप प्रिंट निकालेंगे, डार्क प्रिंट होना चाहिए, तो एचपी का मॉडल है। प्रिंट निकल देखो, अभी प्रिंट निकलेगा। प्रिंट निकलने के बाद हम उसको देखा सकते हैं उसका क्वालिटी कैसा आया, प्रिंट का क्वालिटी। ये देखिए प्रिंट आ चुका है, इसका क्वालिटी देखिए बिल्कुल मिरर व्यू में है। अब उसको उल्टा करेंगे तो आपको दिखा देगा, ये देखिए। तो हम उसको लाने के बाद अब उसको कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद उसका जो हम कॉप में पेस्ट करेंगे। और सबसे अहम पार्ट यही है कि आपका जो इस वीडियो का अहम पार्ट यही है कि हम इसको किस तरह से पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने का उसका टाइमिंग क्या देंगे। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इसमें, टाइमिंग ज़्यादा हो या कम हो तो नहीं आता, प्रिंट नहीं आता। तो आप वीडियो को ठीक से देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि वीडियो में क्या चाहिए क्या नहीं, बस इतनी ही है वीडियो में और कुछ नहीं। ये देखिए हम उसको कटिंग करने के बाद हमको कितना टाइम रखना है मैं आपको दिखा दूंगा। हमको उसको मॉक के ऊपर पेस्ट करना है, आप देख सकते हैं हम किस तरह से पेस्ट करेंगे उसको। हमारे पास सॉल्यूशन टैब है, सॉल्यूशन टैब से हम उसको ठीक से चिपका देंगे ताकि उधर उधर ना हिले। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन टैब की मदद से हम उसको पेस्टिंग करेंगे।
हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमने मशीन जो चालू किया है, जो हीट करेंगे, हम जो टाइमिंग दिया है मशीन हीट होने का, वो हीट होने के बाद ही हम उसको प्रेस करेंगे, वरना हमारा जो हार्ट ये जो हमारा डार्क ट्रांसफर है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इस बात को हमको खास ध्यान रखना पड़ेगा, हम जितने टाइमिंग दिए हैं, और 30 से 40 सेकंड तक ही हीट करना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है। देखिए हमारा मशीन अभी तक चालू नहीं हुआ है, चालू तो हो चुका है मगर हीट नहीं, अभी हीट हो चुका है, देखिए अभी हीट हो जाएगा, सेट हो चुका है। तो उसके बाद हम लगाएंगे, कंप्लीट हो चुका है हीट, हम उसको पेस्टिंग करेंगे। ये देखिए आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, 30 से 40 सेकंड तक हमको ही सिर्फ इसको प्रेस करके रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा रखने से उसका जो डार्क प्रिंट है वो डार्क प्रिंट तो प्रिंट पेपर में चिपक जाता है, मग में नहीं चिपकता, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हो चुका है देखिए, हम निकालेंगे उसको, निकालने के बाद ही हम पहले उसको गोल्डन जो फॉइल का प्रिंट है हम उसको काट कर रखना चाहिए, क्योंकि उसको पहले रख चुके, देखिए ये हीट होगा और उसको लगाना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। ये देखिए हम उसको सॉल्यूशन टैप की मदद से जोड़ रहे हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बस 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर चिपक, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, बस हो चुका है ये देखिए। और हमको सडनली इसको नहीं खोलना है, आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि सडनली नहीं खोलना है, मत खोलना उसको, उसको ठंडी होने दे, ठंडी होने के बाद उसको हम वाटर में, पानी में भिगोएंगे, उसके बाद खोलेंगे, ऑटोमेटिक ये ओपन खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। हम उसको अभी वाटर में करेंगे, ये देखो ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद हमको उसको वाटर में लेना है, पानी में हम उसको भिगोएंगे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड रुकने के बाद ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं क्वालिटी क्या आ रहा है, देखिए आप देखिए। आपको उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जब आप गोल्डन फॉइल उसको पेस्टिंग करेंगे, पेस्टिंग करने के बाद आपको सडनली कभी मत खोलना उसको, ठंडे होने देना, ठंडे होने के बाद उसको पानी में भिगोना, उसके बाद खोलना, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा, देखिए। और अगर आप लोग को ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, ताकि जो लोगों को पता चला चला होगा गोल्डन फॉइल का प्रिंट कैसे करते हैं, उन लोगों को पता चल जाएगा, और बहुत ही यूनिक यूनिक प्रोडक्ट है, आप लोग भी देख सकते हैं, ये किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो मुझको मिला है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू एंड थैंक यू।